नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा स्थित टुल्ला पाथर गांव में खेती की आड़ में गांजे के पेड़ उगाने वाले आरोपी असमुद्दीन उर्फ बहादुर को गिरफ्तार करने में जिले की मोरवा पुलिस को सफलता हासिल हुई। मोरवा थाना प्रभारी ने बताया कि मोरवा थाने के दुल्ला पाथर में आकर झोपड़ी बनाकर खेती कर रहे आरोपी ने अरहर और मकई की फसल के बीच गांजे की खेती कर रखी थी, जिसकी सूचना जब मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को मिली तो उन्होंने पुलिस टीम के साथ रेड की कार्यवाही की तो हरे गांजे के करीब 21 पेड़ खेत में लहलहाते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे का वजन लगभग 5 किलो था और जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में कीमत 6 लाख रुपये से ज़्यादा मानी जा रही है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 6 फीट से लेकर 14 फीट तक की थी। फिलहाल पुलिस ने जब्ती की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो मध्य प्रदेश की सीमा में बसे दुल्ला पाथर गाँव में झोपड़ी बनाकर खेती करता था और कई सालों से गांजे की खेती कर रहा था। ग्राम दुल्ला पाथर में रहने वाला बहादुर और असमुद्दीन, ये वहाँ पर सरकारी ज़मीन में कब्जा करके लंबे समय से वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा था। कल सूचना प्राप्त हुई कि गांजे के वहाँ पर भारी मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं उसके द्वारा। पुलिस ने वहाँ रेड किया और 21 पेड़ जिनका कुल वजन करीब 42 किलो है, गांजा को वहाँ से जब्त किया गया है। आज आरोपी को जेल भिजवा रहे हैं। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.